आखिरी एक घंटे में जो वोटों के आंकड़ों में फर्क आया है, रात के 11-12 बजे तक जो चल रहा था और 5-6% जो वोट बढ़ा है, असली खेल इसमें है। इसकी सूचना मुझे थोड़ी सी मिली थी पहले, लेकिन चूंकि मेरे पास कोई उस तरह के प्रमाण नहीं थे और मैं जांच भी नहीं सकता था, लेकिन ये 4-5 दिन पहले मुझे जानकारी मिली थी कि मतदान के आखिरी घंटे में खेल होगा और उसकी ताईद नायब सिंह सैनी ने की थी कि हमने सब इंतजाम कर लिया है, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। एक दूसरी बात कि हरियाणा के इलेक्शन ने फिर से एक बार ये साबित कर दिया है कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जाते हैं, जो जातिगत संरचना है, सोशल इंजीनियरिंग है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बीजेपी ने किस माइक्रो लेवल पर खेल किया है वहां, अगर आप उसको देखें तो जो जाट बहुल सीटें थी उस पर कई सीटों पर दो दो तीन तीन जाट प्रत्याशी निर्दलीय उन्होंने लड़ाए, और फिर देखिए आपके कितना मार्जिन है और किस सीट पर कांग्रेस पार्टी कितने वोटों से हारी है। तो वो खेल कर हर सीट पर 1-2-3 उन्होंने निर्दलीयों में, इन सबको भी जोड़ रहा हूं, जो INL और BSP का गठबंधन था, JJP और ASP का गठबंधन था, इतना महंगा चुनाव इसके पहले नहीं हुआ था। निर्दलियों ने भी वहां 2-2-3-3 करोड़ रुपया खर्च किया है और ये पैसा कहां से आ रहा था ये सब कहने की जरूरत है नहीं मुझे, सब जानते हैं। तो असल में ये चुनाव पूरे तरीके से मैनेज हुआ है और अलग अलग तरह से मैनेज हुआ है। ये हम लोगों को कुछ दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। और मैं तो चूंकि हरियाणा में नहीं था, लेकिन जो परसेप्शन था, जो नैरेटिव था, जिसे राहुल गांधी ने बनाया था, उस परसेप्शन के आधार पर सारी सर्वे एजेंसियां, सारे लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी एकतरफा चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन आप बीजेपी के उस मैनेजमेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो किस हद तक जाकर के चुनाव लड़ती, तमाम उन सहयोगियों को, निर्दलियों को खड़ा करके फिर आखिरी घंटे में जो हो रहा है। मान लीजिए कि एक EBM पर 5-10 वोट बढ़ाना हो, 20 वोट डालना हो, और ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 संख्या पहुंचती, 10,000। आप जरा पूछ लीजिए हरियाणा में कि जब EBM सील हो रही थी तो वही था अंक काउंटिंग का, कांग्रेस के एजेंट को सील होने के पहले बाहर किया जा रहा था क्या? ये सारी जानकारी अब जो मिल रही है मुझे, वो शायद पहले मैंने वो सोर्स तलाशे नहीं, ये सारा कुछ खेल हो रहा था, जिसे कांग्रेस में खास करके भूपेंद्र हुड्डा, और इसमें कोई दोरा नहीं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है, आपने जो टिकट बांटे, संभवतः 90 में से 48 या 45 दो जातियों को टिकट दिए गए, जाट और जाटाओं को। ये इलेक्शन जाटाओं बनाम अदर्स हुआ और पिछड़े वोटों में कांग्रेस पार्टी वो सेंधवारी नहीं कर सकी जो हम लोग राहुल गांधी के उस नैरेटिव में देख रहे, और जाटों को उन्होंने बांट दिया, दो निर्दलीय खड़ा करके एक, और निर्दलियों को देखिए कितना वोट मिल रहा है। आप अगर ये सारे आंकड़े निकालेंगे तो बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट को आप देख पाएंगे। कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा ने और कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फेर दिया। वो आदमी जो लगातार रहा, मैदान पर रहा, जिसने नैरेटिव पूरा सेट किया चुनाव का, और जितने सर्वेयर कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीत रही, भूपेंद्र हुड्डा के बदौलत नहीं जीत रही थी, वो राहुल गांधी का नैरेटिव था, और उस पर पानी फेरा वो एरो। मैं तो अभी लिखा हूं कहीं कि ये दरअसल हरियाणा का मध्य प्रदेश है, भूपेंद्र हुड्डा ने वही किया जो कमलनाथ कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल कि मतदान के आखिरी घंटे में क्या हो रहा है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो
आंकड़े जा रहे हैं उनमें देरी क्यों हो रही है और 5-6% वोट कैसे बढ़ रहा है, ये भी बुनियादी सवाल है। इससे लड़ने की पुख्ता तैयारी किए बिना, और तीसरा कि अगर कांग्रेस पार्टी पारंपरिक रूप से चुनाव लड़ती रहेगी जातिगत संरचना पर, मैं एक बार नहीं हजार बार इस बात को कह चुका हूं कि डेमोक्रेसी जो इंडिया की है, खुद राहुल गांधी जिसको कहते हैं कि जो पावर है वो पावर धीरे धीरे नीचे जा रही है। तीन समुदाय हैं जो आज वोटिंग को प्रभावित कर रहे हैं पूरे तरीके से, वो है नॉन जाट और दलित, वो पसमांदा मुस्लिम और अति पिछड़ा। अगर आप वहीं जाट पर केंद्रित रहेंगे, अपर कास्ट पर केंद्रित रहेंगे, तब फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। मुद्दों से ज्यादा जाति महत्वपूर्ण है, ये इस चुनाव ने बिल्कुल साबित कर दिया। और अगर अभी भी नहीं चेतती है कांग्रेस पार्टी, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। राहुल गांधी की आंधी में जीतना चाहते हैं तो वो ठीक है, करते रहिए आप, और वो अकेला आदमी कितना करेगा जब चौतरफा हमला भी। अब क्या हो रहा है कि कश्मीर में इसलिए कांग्रेस पार्टी जीत गई क्योंकि मुसलमानों ने वोट किया, और यहां हिंदू बीजेपी के साथ, अब ये नैरेटिव चलेगा। जबकि कश्मीर में सब जानते हैं कि धारा 370 के बाद स्टेटहुड पर इलेक्शन हुआ और वहां सारी पावर तो गवर्नर में आपने समाहित कर दी, तो अप्रत्यक्ष रूप से वहां आप शासन करेंगे ही। नॉर्थ इंडिया को फिर से आपने दिखा दिया कि नहीं साहब, मोदी मैजिक चल ही रहा होगा वहां, मैंने नहीं देखा मोदी मीडिया पर क्या चल रहा है, लेकिन वहां मोदी मैजिक, बीजेपी का जो पूरा है तंत्र, वो ये सारा कुछ मोदी जी अगर शाम को संबोधित कर रहे होंगे तो वहां कुंठलों और टन गुलाब के पंखुड़ियां बरसाई जा रही होंगी मोदी जी पर। बिल्कुल इंतजार चल रहा है वहां पे, अमित शाह पहुंच चुके हैं, मोदी जी पहुंच, यही खेल हो रहा जी। लेकिन सीखना और समझना जरूरी है कि अगर वो जो कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है, और आपके साथ ना चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग लोकतंत्र के साथ नहीं है, चुनाव आयोग जिन्होंने नियुक्ति दी है उनके साथ, जो आप ब्यूरोक्रेसी का हाल है वो तो किसी से छिपा ही नहीं है, वो तो अंग्रेजों के जमाने से गुलाम है सत्ता के साथ, वो आज नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का तो वो चरित्र है। दूसरा जुडिशरी का जो हाल है सो देख ही रहे, हरियाणा में शिवसेना असली कौन नकली कौन, और वहां कुछ विधायकों के अभी भी मुकदमा है चल रहा है, चुनाव आने वाले, आप किस पर उम्मीद करेंगे? केवल जनता पर। और जनता जिस तरह से वोट कर रही है उसको समझना पड़ेगा, और हरियाणा का इलेक्शन ये कह रहा है कि कैसे विभाजन बीजेपी ने किया, माइक्रो लेवल पर कैसे खेल किया 5-6%, और कैसे उसने एंटी जाट खेल किया। और जाट का मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब, वो दलित ने वोट नहीं किया और दलित को राहुल गांधी तो ये कर रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ा बाद में आते, जब जाट ये कहता है कि हमारे जूती के नीचे रहने वाला ये क्या हमारे सिर पर बिठा लूं क्या हम उसको, तो जब दलितों के लिए वो ये बात करता है तो वो चाह करके भी आश्वस्त नहीं हो पाता कि हम बीजेपी को कांग्रेस को वोट करें कि ना करें। वहां पर जरूरत होती है लीडरशिप की, और इधर कुमारी शैलजा रूठी हुई थी साहब, ये तो हद है। कुमारी शैलजा हो कोई हो, इनकी ऐसे लोगों की चूड़ियां कसने की जरूरत है। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, अगर मुंह फुलाए हैं तो फिर छोड़िए, हटाइए फिर इनको, नए लीडर पैदा करिए। अब यहां ये सब नहीं होता, प्रॉब्लम कांग्रेस में कहां है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब बहुत सारे संघी कांग्रेस में बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो जब तक आप अपने घर को नहीं बुहारेंगे, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं और उनको पता है, तो फिर वो करना पड़ेगा और तभी कुछ हो सकता है, वरना फिर लास्ट में हम कहें कि 70% ईवीएम रह गई थी और इस बीच में आपने एक बार भी नहीं कहा क्यों आप खामोश हो गए ईवीएम पर जी। ये तो बराबर होना चाहिए था भाई, डीबी लाइव बराबर इस बात को कह रहा है कि ईवीएम को लेकर के शक है, लेकिन डीबीएफ लाइव केवल बात उठा सकता है,
बाकी तो काम विपक्ष की पार्टियों का है। आप तो भाई ये बहुत बहुत सही प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत सही आपने मुद्दे को छेड़ दिया है। कई सारे साथी कहते हैं कि आप ईवीएम पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं। भाई क्या चर्चा करें, बात है कि हमारा काम खबर देना है, खबर बना करके परोसना नहीं है। और खबर बना के खुद कैसे परोसें, कोई ईवीएम पे बात ही नहीं कर रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव से भी पहले एक गुट था जो ईवीएम पे चर्चा कर रहा था लगातार। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ईवीएम पे कोई चर्चा नहीं हुई। आप निष्पक्ष चुनाव या चुनाव सुधार की बात क्यों नहीं करते हैं? विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि इस पे चर्चा हो।